मोदी। हमने आपको एक ऐसा बजट दिया है इस वक्त जो जरूरत थी ना कॉम को हाँ उस टेंशन से निकालने के लिए। अब हमने प्रायोरिटीज अपनी फिक्स की। देखिए उस वक्त हमारा ये था कि हुकूमत में आने का मकसद सिर्फ ये था इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लें। आज पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है, IMF भी आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। अब जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रमोशन जिसके मेरी आप बात सारा कंप्लीट कर लेने सान साहब, इस मुल्क को जिसने इकोनॉमी को सबसे ऊपर जल्दी लेके जाना होता सेक्टर वो होता हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। और हमारी हुकूमत ने जो प्रायोरिटी बनाई है एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें आप, उन्होंने ये किया है कि एनर्जी को कन्वर्ट करें सोलर पे, तमाम इनपुट्स जो हमारी आ रही हैं बाहर से इंपोर्ट होती हैं मोस्टली जो हमारी पेस्टिसाइड्स हैं उसके ड्यूटी का हम खत्म की, सोलर पैनल को इन्वर्टर्स को बैटरीज को उसमें ड्यूटी खत्म की ताकि हमारी जो एनर्जी का जो क्राइसिस था वो भी कम आ जाए, अखराजात इनपुट्स हमारे कम हो जाए और जमींदार को हमने वो फायदे दिए ताकि वो अपनी क्रॉप्स को अपने इनपुट्स कम करके ज्यादा पैदावार लेके जरिए मुबादला हम ज्यादा कमाएं। एक सेक्टर तो मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये होता है जो सर आप फरमा रहे थे इस मुल्क में ये क्या जी है स्पोर्ट्स होती है वो हमेशा एक सेहतमंद मुआशरे के लिए वो एक सेहतमंद मुआशरा और एक अच्छी कौम को पैदा करने के लिए आपको स्पोर्ट्स को जो है ना जी आपको करना चाहिए। और ये करने का मकसद ये होता है कि आपकी हेल्दी जो है ना एक्सरसाइज हो, हेल्दी लोग हो, हेल्दी इन्वायरमेंट लोगों को मिले, बच्चों के लिए ये नहीं, जब पेट में जब ये पेट में खाना ना हो तो हेल्दी एनवायरनमेंट क्या होगा। सर नहीं जब देखिए आपके पास पैसे नहीं है, आपने इतना लॉलीपॉप दिया है जैसे जरात की आप बात कर रहे हैं, व्हेन यू हैव ए नो मनी, व्हाट इज दिस। नहीं मनी कहता कि मनी का दो ही चीजें थी सांसद जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हाँ हम पहले डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर और अभी तक हमें हमारे जो हमसाए नेबर कंट्रीज हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हर चीज को देखा हमारी हुकूमत ने, हमारे पास सपोज अगर डॉलर्स की इस वक्त कमी थी तो हमने एक बॉर्डर ट्रेडिंग शुरू कर दी और इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ रहा है कि लोग पर्सनली ट्रेड शुरू कर रहे हैं हर कंट्री के साथ, अफगानिस्तान के साथ, रशिया के साथ। अब रशिया से तेल सस्ता आ गया, आपको ईरान से बिजली सस्ती मिल रही है, अफगानिस्तान से आपको चीजें, इन ये आप सारे ईरान ख्वाब से ख्वाब है, ख्वाब नहीं ख्वाब नहीं डरावने ख्वाब सर आप ये दिखा इट इज रहे हैं डरावने। प्रैक्टिकल इट इज रियलिटी और ये हो रहा है। इससे ये होगा कि आप जिस चीज को चाहें अपनी वहां एक्सपोर्ट करेंगे और उनके बदले से वहां से कोई चीज ले लेंगे बगैर गिविंग एनी मनी कि आप उसको बजाय डॉलर दें, आप डॉलरों के लिए। अब ये बुद्ध का ये बड़ा इतना बड़ा इंकलाब आया कि आपने इतना सस्ता तेल रशिया से लिया और आपने उनको करेंसी जो है किसमें दी चाइना की में।